जान लीजिए कि कितना परेशानी था, सब टल गया बाबू। ये पहली बार नहीं है कि दिल्ली से यहाँ महिला आई थी। बोल रहे थे कि वो दवा कई जगह करा चुकी है लेकिन अभी तक तो कोई फायदा नहीं मिला। बोलो सिद्धि बाबा की। भैया कहाँ से हैं? हम बहुरी पार से हैं। कहाँ से हैं? बहुरी पार से। बहुरी पार। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? मुझे अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। स्वागत करता हूँ आज के एक न्यू ब्लॉग वीडियो में। आज हम चलने वाले हैं सिद्धि बाबा सिद्धेश्वर, सिद्धि बाबा शुक्रवार बाबा के पास, और उन्होंने मुझे आज बुलाया है आज रविवार दिन, क्योंकि मैं पिछले बार गया था तो मम्मी को लेकर साथ गया था। उन्होंने कहा ऐसा है कि अगली बार आइएगा तो हमारे मंदिर पर कुछ डिजाइनिंग का कुछ राइटिंग का काम करना है, अभी मैं तैयार होगा। अभी का क्या है लिखने के लिए? चाहिए पेंट पीला रख लेता हूँ, और ताजपीन रख लूँ, लाल रख लूँ, बाकी पानी पीने के लिए पानी वहाँ तो मिले, हाँ बाकी बस रख लूँ, हाँ बाकी सब हो ही गया, क्योंकि वहाँ पे कुछ लिखना है आज एक मंदिर पर। सारा सामान मैंने रख लिया है, यहाँ पे इसको रख लेता हूँ। अभी समय लगभग 1:30 बज रहे होंगे। हाँ भैया थे वो हमेशा जाते हैं, आज मैंने फ़ोन करके पूछा कैसा है भैया, कहाँ हैं? बोले कहीं सिद्धि बाबा के घर पे हम आ गए हैं और आप भी चले आइए। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलता हूँ। दोस्तों हम पहुंच गए, आज मुझे लगता है भीड़ भी ज़्यादा है यहाँ पे। नारायण वासुदेवा, स्पेशल बमिला बाबा से। अब तू हमके बुला लेना है, भाग यही लेना है, बनाओ वीडियो। हाँ बनाने तो बनेबे करब, पर यहीं भाग यही लेना है। आधा घंटा में सांस फूलल, घबराहट, थकान है, जो लगे चलना ही जाला, सर में भी दर्द हो रहा, सब बंद। आ गए बाबा जी, अभी तो अपने भक्तों में लगे हुए हैं और यहाँ पर आज हम विशेष करके आज लिखने के लिए आए हैं। आपने देखा कि बाबा जी अभी कुछ लोगों से उनकी बातों को, उनसे हालचाल पूछा और पूछ ही रहे, भी मुलाकात करेंगे हम और एक आदमी जाके क्या करना है, बाकी सब आप देख ही सकते हो। और कुछ मित्र भी हमारे यहाँ पे नए नए लोग हैं, आप देख सकते हैं भैया हैं। भैया का नाम क्या है आपका? जामवंत। कहाँ से हैं भैया? कटार मिसिर। कटार मिसिर कहाँ है? कटार मिसिर ये कोनो नदी के पास। अच्छा एक कटार मिसिर उधर भी तो है, हरिहर के पास। हाँ वही तो, वही ना। अरे भैया बड़े दूर से आए हैं। अब आप देखिए आ गए भैया हमारे, अजय राज जी हैं और आज ही हमारी भैया से मुलाकात हुई है, नंदन जी, चंदन और नंदन दोनों की मुलाकात। और अमित जी यहाँ पर और अमित जी साथ में हैं और सामने प्रदुम भैया हैं। देखिए हमारे जी व्यवस्था कर रहे हैं कि हमें इस दीवार पर क्या लिखना है वो सारा कुछ, और साथ ही में बता दें कि आज यहाँ के एक स्पेशल वीडियो में बनाने वाला हूँ। अजय राज जी का एक यूट्यूब चैनल है, बड़ा प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, केवल जानकारी दे रहा हूँ, ये खुद ये बताएंगे कौन सा चैनल है, क्या करते हैं, एक बार आप खुद बताइए। हमारा चैनल है अजय राज इंटरटेनमेंट, जिसपे हम अपना गाना, कॉमेडी ये सब डालते हैं। और एक बाबा जी का भी चैनल है सर्वेश्वर धाम सुकरौली, उस चैनल को भी हम चलाते हैं। और भैया का चैनल के जरिए आप लोग देख ही रहे हैं, चंदन सोनी आर्ट। और भैया बहुत खुशनसीब हैं कि इनको मौका मिला बाबा जी के घर पे कुछ लिखने का, तो नंदन जी आगे बताएंगे। तो आज भैया यहाँ पे कुछ आर्ट करंट बनाने वाले हैं, आज हम भी देखेंगे भैया कैसे बनाते हैं, तो प्लीज़ आप लोग इनके चैनल को सपोर्ट कीजिए। भैया के अंदर हम लोग गिनाने लगे तो कम पड़ जाएगा, इतनी कलाकारी है। ये तो आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का जो अंदर से है वो कह रहे हैं, बहरहाल हमारे अंदर कोई कला नहीं है, ना ही हमारे अंदर कला है ना ही गुण है, बस हल्का फुल्का कुछ बोलने की मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ लिखने का। और बहुत अच्छा लगा यार आज जी आपसे मिल करके। अब प्रदुम भैया साथ में हैं, भैया क्या कहना चाहेंगे? भाई यहाँ की वीडियो ये स्पेशल वीडियो यही बनाते हैं, हम तो आए हैं तब जाके वीडियो बनाए, लेकिन स्पेशल वीडियो यही बनाते हैं यहाँ की। और कोई भी समस्या आपको हो रही हो इनके चैनल के द्वारा, जानकारी हो रही हो, तो आप सीधे आप यहाँ का एड्रेस बताइए, कैसे यहाँ पे लोग पहुँच सकते हैं हमारे जो दर्शक। यहाँ का एड्रेस है ग्राम सुकरौली, गांव का नाम सुकरौली, पोस्ट पीड़िया बाजार और जिला संत कबीर नगर। आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं और यही बाबा का निवास स्थान है। और आपको एक नंबर भी दे रहे हैं, अगर आप लोग नहीं आ पा रहे हैं तो पता पूछ सकते हैं, 8081 4127 99 99। नहीं बाय द वे तो आपने पता ये नंबर बता दिया, लेकिन बाय द वे जो बस्ती से या खैलाबाद से गोरखपुर से ये लोग आते हैं तो जिले पे कहाँ पे आए वो बताइए आप, एक्चुअल एड्रेस सीधे यहाँ पे आ जाएं, वहाँ से किस तरह से यहाँ पे आए।
जो लोग खलीलाबाद से आते हैं वो लोग पहले आइए नाथनगर। नाथनगर से कितना दूर है नाथनगर? नाथनगर 15 किलोमीटर। खलीलाबाद से किधर? पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण? हाँ। खलीलाबाद से दक्षिण के साइड में आना। खलीलाबाद से दक्षिण मुखलिसपुर रोड पे। हाँ। मुखलिसपुर रोड पे। हाँ। वहाँ से पूरब की साइड आना होगा काली जगदीशपुर। अच्छा, वहाँ से पूरब साइड काली जगदीशपुर लगभग कितना दूरी? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर नाथनगर से काली जगदीशपुर से? वहाँ से तो 8-10 किलोमीटर। अरे, नाथनगर से? नाथनगर से 10 किलोमीटर है। हाँ, नाथनगर से काली जगदीशपुर 10 किलोमीटर, वहाँ से और काली जगदीशपुर से 3 किलोमीटर कहाँ पे? सर्वेश्वर धाम, सुकरौली धाम है ना? बिल्कुल सुकरौली गाँव है ना? सुकरौली गाँव में आप पहुँच सकते हैं। अभी जो है एक महिला आई है, कहाँ से है? दिल्ली से है ना? बिल्कुल दिल्ली से। दिल्ली से आई हैं, उनको क्या हुआ? उनको बहुत सारी समस्याएं थी जो कि ठीक हो चुकी हैं। कुछ लोग बागेश्वर धाम से भी आए हैं, कुछ लोग बिहार से आते हैं, तो बहुत जगह से लोग आते हैं और लोग ठीक हो जाते हैं। देखिए, मेन बात तो ये है, सबको अपना अपना विश्वास, जो विश्वास रख कर आएगा। हमको लगता है ना, हम तो विश्वास यहाँ करते हैं। हमारा तो जान लीजिए कि कितना परेशानी था, सब टल गया बाबा जी की कृपा से। बाकी जो विश्वास लेकर आएगा, हमारे उम्मीद से यहाँ पे सभी लोग ठीक होकर जाएंगे। तो प्लीज आप लोग आइएगा और एक बार यहाँ पर आके जरूर देखिए, एक बार आजमाइश करें। हाँ, विश्वास के साथ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपने कार्य को। हम अभी देख दीवार को पेंटिंग, ये कोरा कोरा है, इस पे अभी गोरा गोरा करेंगे, कैसे करेंगे। पीछे जो देख रहे हैं बाबा जी का घर है। हाँ। और आज इस घर पे क्या होने वाला है आप लोग खुद देखिएगा, हम नहीं बताएंगे, और देखते हैं कैसे क्या होता है बाबा जी के दीवार पे। तो दोस्तों, यहाँ पे आज कुछ नया होने वाला है। ये है, आइए मिलवाते हैं इनसे। भैया जी का यूट्यूब चैनल है चंदन सोनी आर्ट। आप यहाँ करने क्या आए हैं? तो आज मैं आ गया हूँ, बाबा जी ने आदेश किया लिखने के लिए, आज मैं लिखने के लिए आया हूँ यहाँ पे। इस दीवार पर मैं लिखूंगा सर्वेश्वर धाम श्री सिद्धि बाबा सुकरौली सर्वेश्वर धाम लिखना है। भैया बहुत अच्छे कलाकार हैं, ये व्लॉगिंग करते हैं और बहुत अच्छी कला है। ये एक आर्टिस्ट है जो दीवार पे लिखते हैं, पेंट करते हैं, और साथ में नंदन भाई और चंदन चंदन भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा। नंदन चंदन से आपकी बहुत बहुत आभार भैया जी। आप लोग को दिखाते हैं कि पीछे कैसे लिखा जाता है। बस शुरुआत हो चुका है, देखते हैं आगे कैसे लिखा जाता है और कितना अच्छा लगता है। ये तो पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप लोग को पता चलेगा। बने रहिए पूरे वीडियो में, अधूरा नहीं, क्योंकि पूरा वीडियो देखेंगे तभी जान पाएंगे कि कैसा लिखाया और क्या लिखा जाता है यहाँ पर।
देख सकते हैं भैया की कारीगरी, हम मुँह से नहीं तारीफ किए ना भैया करने दिए, पर कला कभी छुपती नहीं। देख सकते हैं आप लोग भैया की कारीगरी, कितने सुंदर सुंदर अक्षर में भैया ने लिख दिया सर्वेश्वर धाम सुकरौली, और आगे लिखा है पूज्य श्री सिद्धि बाबा जी, और नीचे यूट्यूब चैनल का नाम और लोगो, फेसबुक चैनल का नाम और लोगो, और यहाँ पे इंस्टाग्राम का लोगो और नाम, जो कि नाम है सर्वेश्वर धाम सुकरौली यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम का, और यहाँ पे देख सकते हैं भैया का नाम चंदन सोनी आर्ट। बस मोबाइल नंबर है, अगर आप लोग को ऐसा पेंटिंग बनवाना है या कुछ लिखवाना है तो भैया को आप लोग कॉल कर सकते हैं। भैया क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा लिखवाना नहीं लिखाएगा मैं, भैया लिख दिया भैया पैसा हम दे दे, ऐसा लिखवाना ऐसा करवाना नहीं होगा। हाँ, मेरा हाथ की कला, जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि वहाँ पर जाकर के किस तरह से लिखेंगे, तो आप देख रहे हैं सीधे पीछे क्या लिखा हुआ, सर्वेश्वर धाम सुकरौली पूज्य श्री सिद्धि बाबा। तो दोस्तों सारा कुछ लिख लिया आपने, देखा किस तरह से लिखा। आइए महाराज जी से मिलते हैं और उनसे थोड़ा सा वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले महाराज जी हमारे पास बैठे हुए, अभी चाय पानी हो रहा है और बहुत भक्तगण यहाँ पे बैठे हुए हैं, इधर भी नंदन जी बैठे हैं। क्यों भैया? आप सभी को जय श्री राम, महाराज जी प्रणाम। तो अब महाराज जी सामने हैं आपके। महाराज जी, अभी हम सुने हैं कुछ लोगों से कि दिल्ली की एक महिला आई थी जिनको चर्म रोग था पूरे शरीर में, ऊपर नीचे, क्यों चर्म रोग था ना? हाँ, कहाँ से थी? दिल्ली से। तो वो दिल्ली से आई थी, क्या उनको दिक्कत है महाराज जी? देखिए, यह पहली बार नहीं है कि दिल्ली से यहाँ महिला आई थी। यहाँ प्रत्येक रविवार को आप आइए, और आप अगर चैनल चलाते हैं अपना यूट्यूबर है तो प्रत्येक रविवार के आइए। कई जिला से यहाँ यूट्यूबर और ये मीडिया वाले आते हैं, लोग न्यूज बनाते हैं, और देखिए कितना यहाँ सर्वेश्वर धाम या और चैनल पर देखिए तो चल रहा है, वहाँ से दिल्ली से, बम्बई से, कलकत्ता, फैजाबाद, आजमगढ़, देवरिया, यहाँ से अनेक प्रकार के लोग आते जाते रहते हैं। कोई चरक, कैंसर, कोढ़, अनेक प्रकार की बला बीमारी है, जैसा श्रद्धा व्यवस्था विश्वास है, आते रहते हैं। और प्रत्येक रविवार के दिन हम इसी तरह समय निकाल करके अपना 2 घंटे 4 घंटे प्रसाद के रूप में जो कुछ है बटवा देते हैं, और लेके जाते हैं, खाते पीते हैं और कहते हैं बाबा हमारा कल्याण हो जाए। इस तरह से क्रियाएं 7 बरस से चल रही है। क्या बात, तो ये सच बात है। दिल्ली से आज एक महिला आई थी जिनको चरक का बीमारी है, और यहाँ से पानी प्रसाद ले गई है, मालिक की मर्जी है, चाहेंगे तो उनका भी चरक खत्म हो जाएगा। हाँ, मैंने आज देखा भी उनको, अभी देखा कि वो हर रविवार को आती हैं, तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा उनका भी विश्वास उनका है, क्योंकि बहुत लोगों का यहाँ खत्म। यहाँ पे कुछ लोगों ने कहा कि बाबा बागेश्वर धाम के लोगों से, यहाँ वहाँ से भी कोई आया था? बहुत आए थे। क्यों? बहुत लोग आते हैं बागेश्वर धाम से। 2-3 लोग आए थे बागेश्वर धाम से, वहाँ से यहाँ आ करके उनको जो है राहत मिली। वहाँ से जो है बोल रहे थे कि वो दवा कई जगह करा चुकी है लेकिन अभी तक कोई फायदा नहीं मिला। सत्य है, बिल्कुल सही है। बागेश्वर बाबा से निराश होके आई थी सुकरौली के बाबा के पास, यहाँ से उनको बहुत लाभ मिल रहा है। ठीक है, दमा की बीमारी थी, सांस फूल रही थी, और यहाँ खजूरी के एक यादव आए थे। अच्छा अच्छा, गिट्टी बालू का उनका दुकान छड़ी सरिया और क्या है, और यहाँ आए तो बोले बाबा जी हम बागेश्वर धाम से आए हैं, यूट्यूब पर है वो। अच्छा अच्छा, आप सर्वेश्वर धाम बोलेंगे या सुकरौली के बाबा के बोल के बोलेंगे तो उसमें देखेंगे कि खजूरी से यादव आए हैं, बागेश्वर धाम से आए, एक महिला कन्हौली से लेकर आए थे, उसका भी तबीयत ठीक हो गया, और इनको दमा और शुगर का बीमारी था। वहाँ जो टीना छवाया वहाँ लोट लोट के रो रहे थे, वहाँ हमने पूछा, निकला बाहर तो पूछा ये आदमी क्यों रो रहा, बोले बाबा इनका सांस फूल रहा बहुत जोर से, और ये बागेश्वर धाम से आए हैं। हालांकि वो इंसान बागेश्वर धाम से नहीं बल्कि खजूरी से था, बागेश्वर धाम से वापस आया था। तो उसको यहाँ से बाबा की भभूति मिला प्रसाद, और 1 घंटे में खाने के बाद वहाँ हंसने लगा, आज वह स्वस्थ है। और यहाँ पर एक टाली गिट्टी ईटा बालू जो भी है सर्वेश्वर धाम मंदिर के लिए मन्नत करके गया है, हालांकि अभी तक वापस नहीं आया, लेकिन आज तक वह स्वस्थ है, खुशहाल है। क्या और बहुत लोग बागेश्वर धाम से, घटकोसर बाबा हैं, पंडोखर बाबा हैं, ये जितने सरकार वाले बाबा हैं उनके पास से घूम फिर के यहाँ तक आते हैं, क्योंकि खेलने कूदने वाले बाबा के यहाँ से घूम के आना ही पड़ेगा, जहाँ संत समाज ही उन्हीं के पास कल्याण। बोलो सिद्धि बाबा की, धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में हर हर महादेव। क्या बात है। तो दोस्तों आपने देखा कि बाबा जी ने अपने मुखारविंद से जो भी बातें कहीं और सब सच थी, ऐसा नहीं बना करके कहा जा रहा है, ऐसे ही देखा देखिए कहा जा रहा है। भैया यहाँ भी हैं, भैया कहाँ से हैं?
हम बहुरी पार से हैं। कहाँ से हैं? बहुरी पार से। बहुरी पार से जो अभी बातें यहाँ पे हुई सब कुछ सत्य थी, आप सब सामने से सुबह से लेकर शाम तक। तो दोस्तों आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर आपको कोई परेशानी हुए, अगर आस पास के हैं तो आप यहाँ आ करके, यहाँ सिद्धेश्वर धाम पूज्य श्री सिद्धि बाबा का चैनल है जो अजय राज इंटरटेनमेंट चैनल के नाम से है, उस पर आप देख सकते हैं। हमारी सर्वेश्वर धाम, सर्वेश्वर धाम का चैनल है जिसपे आप यहाँ की वीडियो देख सकते हैं, और हम प्रत्येक रविवार को यहाँ पे आते रहेंगे। आप लोगों का इतना प्यारा सहयोग और सपोर्ट रहा तो हम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। बाबा जी आपको प्रणाम और दिल से धन्यवाद। कमेंट सेक्शन कमेंट करके बताइएगा आज की वीडियो कैसी लगी, कौन सा चीज़ आपको सबसे अधिक प्रिय लगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को लाइक नहीं किया, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।